सो नमस्कार व्यूअर्स, आज हमारे साथ है गौरव शर्मा जी, जो कि एक सीरियल यूट्यूबर हैं और एंटरप्रेन्योर्स को गाइड करते हैं बिजनेस के बारे में और फिनेंस के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी जो गौरव जी लेके आए हैं बोट के बारे में। तो ये हमें बताएंगे कि किस तरीके से बोट की शुरुआत हुई, उनकी स्टार्टअप जर्नी क्या रही, क्या क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़े और किस तरीके से आज बोट एक सक्सेसफुल ब्रांड है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो वेलकम गौरव शर्मा जी। तो सबसे पहले आप बताइए कि बोट की शुरुआत कहाँ से हुई। प्रियंका, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग. ठीक है, एंड थैंक यू सो मच कि हाँ जी, इतने दिनों बाद हम वापस कोई केस स्टडी लेके आ पाए, सबसे पहली बात. दूसरी चीज ये कि बोट की शुरुआत 2016 में हुई अमन और समीर द्वारा. अमन जो इनके फाउंडर हैं उनका नाम है अमन गुप्ता, और दूसरे जो को फाउंडर हैं उनका नाम है समीर. तो इन दोनों ने मिलकर बोट की शुरुआत 2016 में करी, और 2010 के करीब इन्होंने ISB इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट के थ्रू अपनी मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करने के बाद इस कंपनी को स्टार्टअप किया. उससे पहले इन्होंने JBL नाम की एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कंपनी में काम भी कर रखा है. तो बोट की शुरुआत जब हुई, जब इनको ये लगा कि हाँ जी, इंडिया में कुछ ऐसे गैजेट्स की कमी है जिसे, अगर मैं बोलूँ, लाइफस्टाइल के तौर पर यूज़ किया जा सकता है. तो इन्होंने बहुत सोच समझ के इस चीज की शुरुआत करी. इन्होंने मार्केट में दम देखा और उसके बाद इन्होंने इस चीज की शुरुआत करी. और अब सिर्फ ये बोट, मैं बोलूँ, हेडफोन्स में नहीं, इवन स्पीकर्स, इवन वॉचेस, वियरेबल्स, फिटनेस ब्रांड्स, सारी चीजों में आ चुका है. और बोट अब तकरीबन तकरीबन 10,000 यूनिट्स पर डे सेल कर रही है, और 95 मिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू क्लॉक कर चुकी है 2021 मार्च. तो इतने कम टाइम में इतना बड़ा सक्सेस इन्होंने हासिल किया है और ये लोग खुद ISB के पास आउट से, तो क्या ऐसे आइडिया जेनरेट कहाँ से हुआ कि ये लोग ISB, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, वहां से पास आउट करने के बाद मतलब काफी लाखों की जॉब लगती है हर किसी की, हर किसी का सपना होता है कि ISB में उनको एडमिशन मिले, उसके बाद फिर पास आउट होने के बाद दे गॉट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। तो क्या था इसका बैकग्राउंड। देखो, सबसे बड़ा बैकग्राउंड तो ये था कि इनो को ये लगता था कि हाँ जी, अपनी कुछ चीज शुरू करनी चाहिए, क्योंकि जॉब तो जॉब ही होती है. और प्लेसमेंट इनकी काफी अच्छी हुई थी 2010 में MBA करने के बाद. 6 महीने के तकरीबन तकरीबन पहले इनकी जो फर्स्ट जॉब थी वो KPMG ऑडिटिंग फर्म में थी, जो बिग फोर कहलाते हैं. वहां से इन्होंने अपने फाइनेंस और बाकी सारे जितने भी हुनर है वो सीखे. उसके बाद ये JBL में आए. JBL में आने के बाद इन्होंने गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जाना. बट सबसे बड़ी बात यह है, इनके जो जीन्स थे भाई, बनिए तो पहले से ही, अगर मैं बोलूं, बिजनेस में निपुण होते हैं और काफी अच्छी तरीके से सारी चीजें DNA में ही लेके आते हैं. तो पहली चीज तो ये बनिए हैं, अमन गुप्ता जी तो बनिया है ही. और दूसरी बात यह है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग इनकी फैमिलियर मार्केट थी, क्योंकि बचपन से ही इनके शायद फैमिली में तकरीबन तकरीबन बहुत सारे लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में ही डील करते थे. तो इन्होंने काफी अच्छे तरीके से फैमिली बिजनेस में हाथ अजमाया हुआ है 2007 से लेके 2010 तक. तो उस चीज से इनको एक तरीके से ग्रोथ मिल गई थी कि हाँ जी, एक्सपोजर तो है ही, और साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रखी है इन्होंने, काफी अच्छा काम किया हुआ है. सिटी बैंक का एक्सपोजर है, KPMG है, ISB से पढ़े हुए हैं, फैसिनेटेड थे गैजेट्स और बाकी सारी चीजों को लेके, डिजिटल ट्रेंड्स में रहते थे. और इनको लगता था कि हाँ जी, फ्यूचर में अपना खुद का एक स्टार्टअप खड़ा करा जाए किसी ऐसे ब्रांड को लेके जिसके थ्रू गैजेट्स शुरू करे जा सकते हैं. इंडियन मार्केट में उसकी जरूरत भी थी. इन्होंने राइट प्रोडक्ट देख लिए थे कि हाँ जी, ये चीज लाई जा सकती है. इनकी लर्निंग भी थी कि हाँ जी, हम कुछ ऐसी चीज लेके आए जिसमें इंडिया का कोई ब्रांड चमकता धमकता सा शुरू किया जाए. तो सबसे बड़ी चीज तो ये. ये ऑलरेडी JBL में काम कर चुके हैं और इनका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड भी वही रहा है कि हर कोई कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्वॉल्व था। उसके बाद ये फिनेंस की भी इन्होंने एक टेस्ट ले लिया कि भाई फिनेंस किस तरीके से करना है और अकाउंटिंग वगैरह किस तरीके से हैंडल करनी, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत जरूरी हो गया है कि हम अपना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब चीज एट पॉइंट करें। तो इन्होंने जो ये शुरुआत की, तो इन्होंने अपने इनके बैकग्राउंड के बारे में बताया, तो और इनकी ये रिसेंटली ही काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं, तो इनके और क्या क्या कॉम्पिटिशन्स हैं मार्केट में या और क्या कॉम्पिटिटर्स हैं देखिए, जिनको इन्होंने सबसे बताया।
सबसे जरूरी चीज तो यह है, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि इनके मार्केट कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, क्योंकि जब इन्होंने मार्केट शुरू करी थी उस टाइम तो मार्केट कॉम्पिटिटर्स कम थे, क्योंकि बिग और अगर मैं बोलूँ एमएनसी क्लाइंट जो थे या एमएनसी ब्रांड्स जो थे वो थे इनके कॉम्पिटिशन में, जस्ट लाइक जेबी एंड ऑल और जेबीएल था, सैमसंग था, अब तो खैर ज्योमी है, और आपका अगर मैं बोलूँ नॉइस नाम का एक ब्रांड है जो कि इंडियन ब्रांड ही है, वो भी इनका कॉम्पिटिशन में अच्छा खासा है। अब एक और ब्रांड आया है मार्केट में, वो भी दिल्ली बेस्ड है, ये भी दिल्ली बेस्ड थे, इन्होंने शुरुआत दिल्ली से ही करी थी, बोल्ट नाम का एक ब्रांड है जो कि अब बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो वो भी एक तरीके से इनकी कंपटीशन है। और अगर मैं बोलूं 2018 में इनको अच्छी खासी फंडिंग टाइप मिली थी और उसके से इनको बूस्ट मिल गई है, इन्होंने मार्केट पेनिट्रेशन 30% के करीब कर रखा है, अभी भी इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में 30% पेनिट्रेटेड है। और अगर मैं बोलूं मेड इन इंडिया के तौर पे ऑल ओवर द वर्ल्ड ये नंबर वन कंपनी है जो मेड इन इंडिया को रिप्रेजेंट करती है ऑन हेडफोन्स वेरेबल्स एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि इन्होंने काफी अच्छी मेहनत करी है और मेहनत करके यहाँ तक। जी, तो आपने बोला कि ये इतने सारे कॉम्पिटिटर्स से बीच में गौरव जी एक टाइम आया था जब हर दिन दूसरी नई कंपनी आती थी, जब रेडमी, शाओमी और माइक्रोमैक्स वगैरह जो कंपनीज आए थे, तो हर दिन कोई ना कोई नई कंपनी लॉन्च होती थी, मोस्टली यहाँ से आपके चाइना से इतनी सारी कंपनीज थी, तो ये सब जो चैलेंजेस उस टाइम पे आ रहे थे, तो इन सबको इन्होंने कैसे टेकअप करा, क्या देखिए इनकी स्ट्रैटेजी रही इन चीजों को डील करने की? इनकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी तो ये थी कि अगर इनके सक्सेस को अगर मैं सम अप करूं तो वो ये चीज बोल सकता हूं मैं कि इन्होंने अपने प्रोसेस को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया है। सबसे बड़ी चीज है इन सारी चीजों में, अगर आपका मैनेजमेंट और सिस्टमाइज चैनल नहीं है, अगर आप अपने आप को नहीं बेच पा रहे हो, आपके सिस्टम गलत हैं, आप राइट टारगेट नहीं कर रहे हो, आपकी ऑडियंस आपको पता नहीं है कहाँ बेचनी है, आप अपने ब्रांड को किस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हो, क्योंकि इनका एक जो ब्रांड है वो यूथ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, और यूथ से कनेक्टेड इसलिए है क्योंकि इनको एक चीज पता थी कि इंडिया में सबसे ज्यादा यूथ ही है, तो यूथ से कनेक्ट करने के लिए इन्होंने अपने आप को लाइफस्टाइल ब्रांड की तरीके से पोजीशन किया, वैसा कोई और कर नहीं रहा था, यूथ को इन्होंने अच्छी तरीके से जोड़ा, कंज्यूमर के साथ फर्स्ट अप्रोच रखी, इनका कोई भी ब्रांड अगर आप खरीदते हो तो रिटर्न प्रोसेस सब कुछ ऑनलाइन है, इन्होंने सबसे बड़ी चीज रखी कि हाँ जी ऑनलाइन मार्केटिंग एंड ऑनलाइन जितना भी फीडबैक है वो सारा, और जितनी भी रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं रिलेटेड टू रिटर्निंग प्रोडक्ट, और आपका क्या कहते हैं कोई पॉलिसी को लेके कोई किसी को परेशानी है, कोई प्रोडक्ट को लेके कोई डैमेज से रिलेटेड कोई चीज़ है, कोई अपनी सर्विसिंग चाहता है, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने ऑनलाइन करी हुई है। इनका कोई भी प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो सारा ऑनलाइन आप सिर्फ एक कंप्लेंट कर दो, बंदा आके वही ले जाएगा और वहीं से ही फिर आपको दे भी जाएगा, आपको कहीं नहीं जाने आने की कोई दिक्कत नहीं है हैंडल करनी, अपने आपको लाइफस्टाइल ब्रांड पोजीशन किया, तो ऑब्वियसली बात है जितने भी यूथ हैं वो अपने आपको कनेक्ट करते हैं इनके साथ, वो सारी चीजें देखी। इसके अलावा राइट टारगेटिंग करी, कहीं भी ऐसा पैसा वेस्ट नहीं किया कि हाँ जी कहीं और मार्केटिंग करेंगे तो वहां पैसे वेस्ट हो। इनकी सबसे बड़ी जो यूएसपी है वो ये है कि इन्होंने अपने आप को टोटली यूथ के साथ जोड़ के रखा और ऑनलाइन मार्केटिंग का पूरा फायदा लिया। अब जिस तरीके से एप्पल की चार्जिंग केबल्स आती हैं जो बहुत महंगी होती हैं, या सपोज आप सैमसंग की केबल्स देख लो, उस टाइम पे इन्होंने अपने आप को बहुत ही सस्ते और रीजनेबल रेट पे क्लाइंट के सामने पेश करना शुरू किया, और क्वालिटी भी उतने ही दम की थी जितने की एप्पल और सैमसंग की थी, तो वो भी एक फैक्टर था। इन्होंने अच्छी तरीके से अपने आप को कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड के तौर पे प्रेजेंट किया। इनकी एक बहुत अच्छी फिलॉसफी है जो ये बोलते हैं कि हाँ जी इन्होंने चेंज कर दिया कस्टमर के माइंडसेट को, और उनको बोला कि हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे हैं, हम लाइफस्टाइल एक्सेसरी बेच रहे हैं, और आपको शुरुआत से लेके जहां से आपने ऑर्डर बुक किया है ऑर्डर जब तक आपका खत्म नहीं हो जाता, मतलब यूज करके आप थ्रो नहीं कर देते तब तक ही आपके साथ है, तो एवरीडे फैशन ब्रांड की तरीके से इन्होंने अपने आप को पोजिशन किया है। 2019 में लैक्मे फैशन वीक की तरीके से इन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट भी किया था, अगर मैं बोलूँ तो मॉडल्स के साथ सारी चीजों के साथ। अच्छा दूसरी चीज, इनका एक्सपेंडिंग कैटलॉग है सर्विसेज और प्रोडक्ट्स, हर फैक्टर या हर सेगमेंट में डील करते हैं, चाहे वो चार्जिंग केबल हो, चाहे वो वियरेबल हो, चाहे वो हेडफोन्स हो, ईयरफोन्स हो, ब्लूटूथ हेडसेट हो, ठीक है सारी चीजों में ये चीज को लेके आते हैं, इवन ऑक्स केबल्स में भी हैं ये, और काफी अच्छी तरीके से इन्होंने कैटेगराइजेशन कर रखा है। एस्टिमेटेड है कि ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर जाएंगे, तकरीबन तकरीबन मान के चलो कोई 1000 करोड़ 2000 करोड़ का ब्रांड बन सकते हैं 2022 से 2023 तक। इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, 20 से 40% की ग्रोथ है 2018 में 2019 तक। इनके साउंड बार्स और जितने भी स्पीकर्स थे वो बहुत अच्छी तरीके से बिके हैं, और 10,000 यूनिट अगर कोई बंदा
रोज निकालना है, तो आप सोच सकते हो क्या हालात होंगे। अगर 10,000 यूनिट एक बंदा एक दिन में निकालता है, तो आप सोचो कितनी यूनिट्स बिकती होंगी। गौरव जी, आपने बहुत अच्छे से पॉइंट आउट किया इस चीज को, तो मैं दो चीजों के बारे में आपको थोड़ा सा आपका राय जानना चाहूंगी। एक तो हम लोग जब कुछ टाइम पहले जब म्यूजिकल एक्सेसरीज वायरलेस वाली नई नई इंट्रोड्यूस हुई थी, तो उस टाइम पे हमने देखा कि व्हाइट कलर के बहुत ज्यादा चल रहे थे, तो वही फैशन बन गया था। और इन्होंने नॉइज ने इंट्रोड्यूस किया ब्लैक कलर को, तो ये उसके बाद फिर नॉइज इज टेकिंग ओवर। अभी बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई व्हाइट कलर के एक्सेसरीज यूज करता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, इन्होंने जो ना ब्रांड प्रोपोजिशन को चेंज किया है। सबसे बड़ी चीज बोलो तो, जब शुरुआत में हेडफोन्स आए थे वो बिल्कुल व्हाइट कलर के होते थे, ठीक है। कोई भी मतलब जो भी ब्रांड देख लो, वो सारे व्हाइट कलर के ही हैंडसेट बेचता था, या उनकी वायर बिल्कुल व्हाइट कलर की होती थी। नॉइस का तो खैर मैं नहीं बोल सकता, रीजन फॉर बींग वो टोटली डिफरेंट ब्रांड गेम खेल रहा है। उसकी जो ब्रांड गेम है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, रिलेटेड टू यूथ और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स। अब बोट अपने आप को बदल चुका है, अपार्ट फ्रॉम हेडसेट और हैंडसेट ब्रांड या ईयरफोन से हटा के वो अपने आप को स्पीकर्स में, वेरिएबल्स में और बाकी सारी चीजों में नंबर वन लाना चाहता है। क्योंकि बोट को एक चीज पता है कि अगर उसने सेल्स उठानी है, अगर उसने किसी भी तरीके से अपनी कंपनी का टर्नओवर बढ़ाना है, सेल्स बढ़ानी है, तो वो वेरिएबल मार्केट बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कैप्चर करनी पड़ेगी। नॉइस अभी बिल्कुल नई कंपनी है, तो वो अपने आप को फॉलो कर रही है कि हाँ जी, वो उसी सेक्टर में या उसी सेगमेंट में जिसमें वो ईयरफोन्स में कलर को चेंज कर दें, चाहे वो ब्लैक कर दें, चाहे वो ब्लू कर दें, या कोई और कलर की चेंजिंग कर दें, या कलर ग्रेडिंग का यूज करें। बट ये लोग जो है ना, ये थोड़े ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं। इनके पास है पैसा, तो उस पैसे को ये यूज कर रहे हैं, चाहे वो हार्दिक पांड्या को लाना हो ब्रांड प्रोपोजिशन में बोट ने, चाहे अपने ब्लूटूथ स्पीकर लॉन्च करने हो। हर 3 महीने में इनकी कोई नई कैटेगरी आ जाती है, वर्कआउट से रिलेटेड, ट्रेल से रिलेटेड, हाइक से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से लेके अपने आप को ये टोटली जोड़ रहे हैं कि स्पोर्ट्स से स्पोर्ट्स ब्रांड अपने आप को लॉन्च कर रहे हैं। और स्पोर्ट्स ब्रांड वियरेबल में शायद कोई और नहीं है मेरे हिसाब से, इंटरनेशनल ब्रांड भी बहुत कम है बट इतने नहीं है। बट अगर सोच के देखो, 1599 रुपये में अगर कोई वियरेबल घड़ी दे दे हमें, जो स्पोर्ट्स में हम यूज करते हैं बैंड, फिटनेस बैंड के नाम से, Xiaomi के बाद शायद यही एक ऐसा ब्रांड है जो रीजनेबल रेट पे देता है और अच्छे प्रोडक्ट देता है। दूसरी बात, इनके पास बहुत अच्छे हिसाब किताब हैं, 5,000 के करीब तो इनके पास रिटेल स्टोर हैं और 80+ तो डिस्ट्रीब्यूटर्स है। अब ये वो संख्या है जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है। हमारे पास जो डाटा अवेलेबल नहीं है, आप सोच सकते हो इनके पास कितनी अच्छी नेटवर्कशिप होगी, अगर बोलूं तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप कितनी अच्छी होगी। उसके बाद इनका टीवी और प्रिंट मीडिया बहुत स्ट्रांग है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। वर्ड ऑफ माउथ का यूज किया था शुरुआत में, 80,000 मेंबर्स हैं, 8 लाख तो अब तक कस्टमर्स को ये सर्व कर चुके हैं, मतलब जिन्होंने इनके प्रोडक्ट खरीदे हैं, अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो। ये तो एक कुछ डाटा था जो मैं आपके सामने शो कर रहा था, बट इससे रिलेटेड कई सारी चीजें और भी हैं जो हम अब डिस्कस करेंगे। जी, तो जैसे हम लोग देखते हैं कि अमेजोन वगैरह पे रिव्यूज भी आते रहते हैं, जहां से भी हम लोग परचेज करते हैं गुड्स के, तो इसके नेगेटिव रिव्यूज काफी कम है, तो इन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी मेंटेन करके रखी है और अपने आप को पोजिशन भी बहुत अच्छे तरीके से किया है। जैसे आपने कहा कि पूरा रिटर्न का प्रोसेस जो है, रिफंड का प्रोसेस, सारी चीजों को ऑनलाइन करके उन्होंने एक इजी कस्टमर इंटरफेस भी दिया है और कस्टमर को एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी फेस करने को दिया, ताकि वो हैसल फ्रीली कुछ अगर उनको चेंज वगैरह करना हो तो वो करवा सकते हैं। तो ये सब चीजों के अलावा, जैसे चाइनीज प्लेयर्स की एंट्री हो गई, फिर बड़े बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी मार्केट में थे, तो इनके अलावा और क्या क्या चैलेंजेस थे जो बोट ने फेस किए थे? देखिए, शुरुआत में सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि आपको अपना सामान मैन्युफैक्चर करना है। पैसे कम थे और शुरुआत में इन्होंने किसी तरीके से मेहनत अच्छी करी। अब 500 करोड़ के करीब तो इनका 2020 में ही रेवेन्यू हो चुका है। अगर मैं बोलूं कि इन्होंने जो चैलेंजेस फेस किए, वो उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि हाँ जी, हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कराएंगे चाइना से। ये स्ट्रेटजी इनकी थी 2016 से लेकर 2018 तक। 2018 में इनको ये लगा कि हाँ जी, चाइनीज जो मैन्युफैक्चरर हैं जो इनके नाम पे प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब माल तो वहीं बन के आ रहा था बट ये अपनी सिर्फ ब्रांडिंग कर रहे थे, अगर मैं बोलूँ तो। बट अब इन्होंने धीरे धीरे अपने आप को समझ लिया कि हाँ जी, अब इंडिया में जो है टैक्सेस ज़्यादा लगने लगे, ठीक है, BIS वगैरह की सारी चीजें आ गई, ठीक है, सर्टिफिकेशंस लगने लगे। अगर आप इंपोर्ट करते हैं, इवन हम रॉ मटेरियल्स भी इंपोर्ट करते हैं, तो आप BIS की कई सारी चीजें आ चुकी हैं जिसमें दिक्कत आती है। तो
तो इन्होंने 2018 में ये सारी चीजें देखते हुए अपने आप को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करवा दिया था। इन्होंने अपनी शिफ्टिंग कर ली थी अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस को चाइना से लेके इंडिया में, और अब इन्होंने 80% तक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही शुरू कर दिया। और ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के थ्रू कई सारी स्कीम्स चली थी जिसका फायदा इन्होंने लिया है, ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ अब ये 80% तक तो आत्मनिर्भर हो चुके हैं। वैसे तो खैर हम सारे ही आत्मनिर्भर हैं, बट फिर भी ये 80% तक हो चुके हैं। और इंडिया में ये अपने आप को जिस तरीके से पोजीशन कर रहे हैं, हर चीज का फायदा अगर कोई ब्रांड ले लेता है बिजनेस में, अगर बुरी बातें हैं अच्छी बातें हैं तो उसमें बहुत ज्यादा मदद होती है। अब जैसे सबसे बड़ी बात मैं बोलूँ, ये अपने आप को कंज्यूमर टेक नंबर 1 कंपनी बोलते हैं। ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि हाँ जी क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं एट ए रीजनेबल प्राइस। अच्छा, फंडिंग भी इनकी अच्छी खासी हुई थी, ठीक है, और डायरेक्ट कंज्यूमर से इनका कनेक्ट है। कहीं भी इनके जो स्टोर्स हैं वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, किसी ना किसी के साथ एसोसिएशन में है, तो मेंटेनेंस में ज्यादा पैसा नहीं लगता है। तो अब इन्होंने ये स्ट्रेटजी यूज करी है कि अब ये टोटली ऑनलाइन मार्केटिंग पे फोकस्ड है, सारी प्रॉब्लम्स को ऑनलाइन निबट रहे हैं। 2018 में इनको फंडिंग मिली थी कमलजीत जी के थ्रू, जो कि फायर साइड वेंचर्स के फाउंडर हैं, वहां से इनको अच्छी खासी फंडिंग मिली थी, तकरीबन तकरीबन 30 मिलियन के करीब। अब एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो 20% सेल्स इनकी आसानी से हो जाती है, फिर धीरे धीरे और बढ़ाते हैं स्टार्टअप अपने प्रोडक्ट्स। ये जो इनका जो स्टार्टअप है वो रिलायंस डिजिटल और क्रोमा स्टोर्स में भी बेचता है। सबसे ज्यादा सेल्स इनको अगर मिलती है तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन के थ्रू। अब ये यार बोलते भी हैं ये कि हाँ जी हमें अगर ट्रेंड हमारा बढ़ाया है 2016 से लेके 2020 तक, तो जियो ने भी हमारी बहुत मदद की है। ऑब्वियस ही बात है क्योंकि लोगों के फोन्स बढ़े हैं, जियो का नेटवर्क बढ़ा तो लोगों ने फोन्स खरीदे, तो फिर ऑब्वियस ही बात है ये एसेसरीज भी इनको चाहिए थी। कार्तिक आर्यन, केरा अडवाणी, नेहा कक्कड़, दिलजीत दोसांझ, ये सारे इनके तो ब्रांड एम्बेसडर हैं। हार्दिक पांड्या, अच्छा प्रोडक्ट भी इनके बहुत अच्छे होते हैं अच्छे तरीके से। और अब इनकी जो टारगेट मार्केट है ना, वो 750 बिलियन के ऊपर इनकी नजर है। 1 ट्रिलियन तक ये पहुंच सकते हैं 5 ईयर्स के अंदर अंदर, जिस हिसाब से ये अपने आप को फोकस कर रहे हैं। और अपने आप को सबसे ज्यादा ये फोकस कर रहे हैं स्पोर्ट्स ब्रांड में रेदर देन एनीथिंग एल्स, अगर मैं बोलूं। तो यानी कि ये कहीं लाखों को पीछे छोड़ गए, मिलियंस को पीछे छोड़ गए, बिलियंस को भी पीछे छोड़ना चाहते हैं, ट्रिलियंस पे सीधा फोकस कर रहे हैं। तो इतनी कम टाइम में, इतने 2016 में तो शायद इन्होंने शुरुआत ही की थी, आज 2021 में ये नंबर 1 ब्रांड में आने लग गए हैं। तो ये क्या राज है, इनके सक्सेस स्ट्रैटेजी क्या है, और इनके सक्सेस के पीछे क्या क्या इन्होंने स्ट्रैटेजाइज किया, किस तरीके से इन्होंने प्रोडक्ट को ऐसे प्लेस किया कि मार्केट में बंदा दूसरी चीज के बारे में सोचे ही ना। देखो प्रियंका, आप भी एंटरप्रेन्योर हो और एक हद तक आप भी एंटरप्रेन्योरशिप मीटिंग्स में रहते हो, तो एक चीज तो मैंने आपसे भी सुनी और समझी थी। आज जब हम ये डिस्कशन शुरू करने वाले थे तो आपने मुझसे ये चीज शुरुआत में बोली थी कि सर इनकी ग्रोथ का जो कारण है वो बहुत ही बड़ा है कि इन्होंने अपने आप को स्पीडी रखा। दूसरी बात, पोर्टफोलियो बड़ा डाइवर्सिफाइड है। अब अगर आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बेचते हो, खाने की चीजें भी बेचते हो, पानी की चीजें भी बेचते हो, एक्स अमाउंट ऑफ चीजें बेचते हो, तो अगर आपको एक तरफ से सेल्स नहीं आ रही होगी तो आपको दूसरी तरफ से सेल्स आ रही होगी। वही इनकी स्ट्रेटजी है, चाहे वो वेरिएबल से उठा रहे हो सेल्स, चाहे वो स्पीकर से उठा रहे हो, चाहे वो ईयरफोन से उठा रहे हो, चाहे वो XYZ किसी भी तरीके से उठा रहे हो, वो सेल्स उठा रहे हैं। और सेल्स उनकी दिख भी रही है, उनकी बैलेंस शीट्स में भी दिख रही है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के मैं बता ही रहा था कि हाँ जी अच्छी खासी फंडिंग है इनके पास, ठीक है, जो इनकी स्टडीज बोलती हैं। और दूसरी बात यह है, इन्होंने मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से किया है। इन्होंने अपने आप को पोर्ट्रे एक स्पोर्ट्स ब्रांड में अब कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, रादर देन जस्ट एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मार्केट। तो उस चीज का फायदा भी मिल रहा है क्योंकि स्पोर्ट्स ब्रांड में बहुत कमी है लोगों की, और हो सकता है कि स्पोर्ट्स ब्रांड में हो सकता है क्लॉदिंग रेंज लेके आ जाए फ्यूचर में, या कोई और चीज लेके आ जाए, क्योंकि पैसों की कमी नहीं है इनपे ना, इनके स्टोर्स कम है, इनकी टाइप्स भी अच्छे हैं, ऑनलाइन भी इन्होंने मार्केट में अपनी पकड़ बना ली है। अब बोट को हर कोई जानता है, 300 रुपये से लेके इनकी केबल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो रीजनेबली अच्छी प्राइसिंग रखी है और उसमें भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो काफी अच्छी तरीके की मेहनत है। अगर मैं बोलूं तो इन्होंने सारे चैलेंजेस हटा के अपने आप को पोजीशन कर दिया। इन्होंने काफी अच्छे तरीके से मार्केट में एक पोजीशन ले ली है, जिससे ये इन्होंने स्पीड पकड़ ली है ऑलरेडी, और ये वाकई में रॉकेट की गति से आगे बढ़ रहे हैं। और तो आप हमारे एंटरप्रेन्योर्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि जैसे इनकी सक्सेस स्टोरी से हमें क्या चीजें सीखने को मिलती है? देखो पहली चीज तो ये सीखने को मिलती है कि इन्होंने जब शुरुआत करी थी तो कुछ भी खुद नहीं बनाते थे,
ठीक है, जिससे भी बनवाते थे उससे क्वालिटी चेक्स करवाते थे ताकि क्वालिटी में कोई कमी ना रहे। और गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग अगर हम शुरू करते हैं तो हमें प्लांट लगाना है, रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, हमारे को लेबर चाहिए, हमारी इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है, हमारे बहुत सारे तरीके के और हर्डल शुरू होते हैं। इन्होंने अपना सबसे पहला सेगमेंट ये किया था कि ये बने बनाए प्रोडक्ट खरीदते थे और उन्हें सेल आउट करते थे। ये सेलिंग में दमदार थे, तो इन्होंने सबसे चीज पहली चीज यही करी कि हमने सिर्फ ट्रेडिंग करनी है। नाम इनका होता था नो डाउट, बोट का नाम इन्होंने यूज किया, बट इन्होंने सबसे बढ़िया जो चीज यूज करी वो ये करी कि इन्होंने खुद भी कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं किया शुरुआत में। इन्होंने थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चर कराया, उसे अपने नाम से बेचा। उसके बाद जब इनको लगा कि हाँ जी रेवेन्यू आना शुरू हो चुका है, हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो चुका है कि हम बड़े प्यार से निकाल सकते हैं मार्केट को और अच्छे तरीके से और मार्केट कैपिटलाइजेशन कर सकते हैं, देन इन्होंने फिर एक्सपेंड करना शुरू किया। देन इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी। और अब जब इनको पता चल गया कि हाँ जी चाइना की मैन्युफैक्चरिंग से काम नहीं चलेगा, वो ना वो अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं ना रॉ मटेरियल दे रहे हैं, तो इन्होंने सब कुछ इंडिया में करना शुरू कर दिया। दूसरी बात, इनको एक बात पता है कि हाँ जी राइट ऑडियंस को क्या चाहिए और किस तरीके का चाहिए, उसी तरीके के प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च कर दिए। अब ये धीरे धीरे उसी प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफिकेशन करते जा रहे हैं, चाहे वो सेगमेंट्स हो, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, और उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो ये इनकी सक्सेस का राज है कि कहीं ना कहीं इन्होंने जो स्टार्टिंग में ट्रेडिंग की वो एज अ पायलट प्रोजेक्ट उनके बहुत ज्यादा काम आया कि आगे जाके ये देख लें कि भाई मार्केट में डिमांड है कि नहीं है, माल बिक रहा है कि नहीं बिक रहा, मार्जिन सही से आ रहे कि नहीं आ रहे, ये सारी चीजों को अच्छे से एनालाइज करके ही इन्होंने मार्केट में कदम रखा और खुद ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया और आज नंबर 1 ब्रांड में आने लग गए हैं। आपने जैसे कहा कि कंज्यूमर टेक्नोलॉजी और लाइफस्टाइल ब्रांड में आ गए, इट इज जस्ट नॉट अ म्यूजिकल एक्सेसरी या सिर्फ हेडफोन्स नहीं बोलते हैं जैसे हम लोग पहले बोला करते थे हेडफोन्स, तो अभी दिस इज अ लाइफस्टाइल ब्रांड एंड लाइफस्टाइल एक्सेसरी जिसको हम लोग बोल रहे हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू गौरव जी हमें टाइम देने के लिए और इतनी अच्छे से बताने के लिए बोट की केस स्टडी के बारे में और किस तरीके से ये सक्सेसफुल हुए। तो मुझे उम्मीद है कि व्यूअर्स को ये वाला वीडियो बहुत पसंद आएगा और प्लीज आप क्या कहना चाहेंगे कह दीजिए। मैं यही बोलूंगा, अगर किसी को बोट की तरीके से अपना ब्रांड लॉन्च करना है तो सिंपल सा फंडा यही यूज करना, अगर शुरुआत में पैसों की कमी है तो पैसों की वजह से बिजनेस नहीं चला करते। अगर पैसों के बेसिस पर अगर आप बिजनेस चलाना चाह रहे हो फिर आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है इस दुनिया में। अगर आपको चलाने हैं, अगर पैसे यूज करने हैं तो आप मार्केटिंग में यूज करो। सबसे ज्यादा कोशिश यही करो कि अपने ब्रांड को पोजिशन ऐसा करो कि राइट ऑडियंस को दो, राइट टारगेटिंग करो, पैसे कम से कम वेस्ट हो मार्केटिंग में, बट वो पैसे ऐसी जगह जाके लगे जहाँ से आपको सेल्स और रेवेन्यू हो। दूसरी चीज ये है, आप अपने रजिस्ट्रेशन अच्छे करके लो, मार्केटिंग अच्छी करो और ऑनलाइन मार्केटिंग पे डिपेंड होना शुरू हो जाओ, क्योंकि फिजिकल मार्केटिंग का ट्रेंड खत्म हो चुका है, ठीक है, और अब उसको कोई भी पूछने वाला नहीं है। वो पुराने जितने भी दादू और दादाजी हुआ करते थे वही चलाते हैं उनको, ठीक है, और उन्हीं के ही ब्रांड उसी तरीके से चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो चीज ध्यान में रखनी चाहिए, और आप अपनी ब्रांड को लॉन्च कर सकते हो, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। इन्होंने भी अपना ब्रांड 10,000 से शुरू किया था, हो सकता है 50,000 लगे अगर कोई नया ब्रांड शुरू कर सकता है तो शुरुआत करो, कहीं ना कहीं से शुरू करोगे तो कहीं ना कहीं पहुंचोगे जरूर, यही चीज मैं बोलना चाहूंगा। कहते हैं कि शुरुआत करना बहुत जरूरी होता है, तो उम्मीद है कि हमारे दर्शकों जो भी ये देख रहे हैं वीडियो वो भी कहीं ना कहीं से शुरुआत करेंगे और उनकी भी एक सक्सेस स्टोरी होगी। तो इन्हें थैंक यू बोलना मत भूलिएगा इस अमेजिंग केस स्टडी के लिए कि यहाँ से अगर आपने शुरुआत की है। तो थैंक यू सो मच गौरव जी। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू सो मच।